काम चल रहा अपनी गाड़ी में, आधे टकली बना दी इन्होंने आगे से। गाइस यहां पर फुल पावर लड़ाई वड़ाई सेट हो गया। वेलकम टू दिल्ली। तो भाई लोग रिजल्ट्स कुछ ऐसा है। हाँ जी भाई लोग, क्या हाल है, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज अपन जा रहे हैं अपनी XUV 500 में हेडलाइट सेटअप अपग्रेड करवाने। तो उसमें ना कुछ अपने एक ना स्कूल के भाई हैं, अपने साथ स्कूल में थे, छोटा भाई है अपना। तो देखते हैं एक बार वो अपने को कुछ बताएगा कैसे क्या वगैरह लगवाना है इसमें। इसका शायद प्रोजेक्टर चेंज होएगा इसमें, हम 22x9 प्रोजेक्टर लगवा रहे हैं एंड LEDs वगैरह लगेंगे। तो कैसे क्या सारा सब कुछ लग रहा है मैं उसी से जाके पूछवाता हूँ, क्योंकि हो सकता है शायद मैं गलत बता दूँ। अभी बज रहे हैं वैसे 12 बजे, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है अपने को सारा सेटअप वेटअप करवाने में। तो मैं डायरेक्ट शॉप पर मिलता हूँ आपको। गाइस अभी अपन पहुँच गए यहाँ पर गाड़ी का काम कराने, ये अपने दूसरे ब्लॉगर भाई भी आ चुके हैं यहाँ पर। तो क्या काम करवा रहे हैं भाई हम गाड़ी में? भाई आप बताओ आपकी गाड़ी। चलो ठीक है, बाद में देखते हैं क्या काम करवा रहे हैं। अभी लॉन्डा अपना बाहर खड़ा हुआ, अभी उससे बात करवा कर मैं बताता हूँ एग्जैक्टली हम क्या काम करवा रहे हैं। तो ये अपने भाई, लक्ष्य नाम है इनका। तो भाई बताएंगे अपन क्या करवा रहे थे एंड अब क्या करवा रहे हैं। एक्चुअली कार में H7 के दो पेयर्स लगे होते हैं पहले से, ठीक है। जो लो बीम रहता है दैट इज ज़ेनन, तो अगर हाई बीम करो तो साइड में हाई बीम जलता है, बट उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंगल बीम ही जलती है, मेन जो हेडलाइट प्रोजेक्टर है। सो वी वर ट्राइंग टू रेट्रोफिट, बट द इशू इज जो महिंद्रा जो अंदर पैकिंग देती है दैट इज अ सॉर्ट ऑफ सिलिकन जिसके जो पिघलता नहीं है, तो हेडलाइट पे बहुत काम करना पड़ता है। एंड प्लस श्योरिटी नहीं थी उसकी कि वो सही से खुल पाएगा कि नहीं खुल पाएगा। प्रीवियसली ऑल्सो वी ट्राइड टू रेट्रोफिट, हमने एक XUV 700 में ट्राई करके देखा था फॉग लाइट के अंदर प्रोजेक्टर डालने के लिए, उसका भी नहीं खुला था। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे भी हुई है, तो सिलिकन की क्वालिटी इज समथिंग डिफरेंट। ये मतलब ऐसे उठा के फेंक दो सामने का कांच टूट जाए बट हेडलाइट नहीं खुलेगी आपकी। बराबर, इसकी जगह क्या लगा रहे हैं अब हम? तो इसके बजाय हम लगाएंगे 300 वॉट के दो पेयर लो बीम हाई बीम में 300 वॉट्स एंड कॉर्नरिंग में 55 वॉट्स एंड फॉग लाइट में 55 वॉट्स। सो That will be somewhere around, आप बाकी कैलकुलेट कर लो। ये वाली पार्किंग डिफरेंट टाइप की है, ये वाली पार्किंग नहीं खुल रही है इसमें। ये अपनी 300 वॉट की क्या है, मतलब 300 वॉट की LED दिखा दे। मिठाई का डब्बा था क्या ये पहले? नहीं, ये पहले मिठाई का डब्बा तो नहीं था भाई, ये मिठाई का डब्बा था, इसमें रसगुल्ले आए थे। ओके, ये अपनी 55 वॉट की लाइट है। पर शॉप का नाम है बंसीधर कस्टम्स। यहाँ से काम घूम करा कर अब देखते हैं, शायद टाइम तो ऑलमोस्ट आधा ही हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि अब प्रोजेक्टर की फिटिंग नहीं होने, अब इसमें सीधा वो डलने हैं LEDs डलने हैं। तो देखते हैं शायद जल्दी फ्री होकर यहाँ से चलेंगे फिर पार्टी वूटी करने। हेडलाइट की खुशी में हम जा रहे हैं फिर से गोवा, मैं और सीजे निकल रहे हैं, ये बेटा सीजे। तो हम लोग गोवा निकल रहे हैं लाइटें लगवा के फिर से। भाई कह रहा था कि भाई रास्ते में लोगों को अंधा करते हो चलने, तो लाइटें लगवा ले। तो मैं ठीक है लाइटें लगवा लेते हैं। स्पीकर भी लगवाने हैं, तो अभी स्पीकर भी लगवाने हैं और हॉर्न भी चेंज कराना है। स्पीकर कंपोनेंट्स बेस ट्यूब। अब काम वाम शुरू हो गया, ये प्रोजेक्टर था 22x9 प्रोजेक्टर। अपना काम वाम चल रहा, बम्पर खुल गया, हेडलाइट खुल रही है, अपने ये हॉर्न भी चेंज करवाने अपने को, काम तो है। स्पीकर भी लगवाने हैं अभी, कौन से स्पीकर लगवा रहे हैं इसमें? मोराल के। मेरे दिमाग में रैली गेयर आ रहा था, पता नहीं क्यों रैली गेयर। वो स्पीकर लगवा रहे अपन, हम लगवा रहे हैं पीछे कोएक्सियल, फ्रंट में कंपोनेंट लगवा रहे हैं हम। तो ये लगवा रहे हैं अपन कंपोनेंट, और ये अपने कोएक्सियल। तो ये देखो भैया ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया यहाँ पर, वो 55 इंच LED लगने के बाद बन नहीं रही थी, तो उसको काट के उसमें डैम्पिंग वाला वहाँ फिट किया यहाँ पर। काम तो बढ़िया हो रहा है, क्या बोलते हो भैया, बढ़िया काम कर रहे हो भैया? बढ़िया काम करेंगे जब भी, तो ये हो गया अपना स्पीकर्स का काम शुरू, अब आगे कॉम्पोनेंट्स लगने हैं। ये रेटर वीटर, ये इसको ही फंसा के रखा हुआ मैंने अपने साथ। कुछ कहना चाहोगे, कैसा लग रहा है? गर्मी लग रहा है भाई, गर्मी लग, मेरे को भी भाई, पावर गर्मी ब्रो, फुल पावर गर्मी। चल रहे अपने कंपोनेंट की और ट्विटर की फिटिंग गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, तो अब अपन अकेले हैं, लक्ष्य भी भग गया। अपने को ही काम करवाना पड़ रहा है यार, आर्ट ब्रो, इट्स वेरी टायरिंग। ओ आसमान कितना सही लग रहा है।
ये अपन लाइट का वेट कर रहे हैं, एक अपनी एलईडी आनी है वो अभी तक आई नहीं है, उसकी वजह से अभी तक रुके हुए हैं थोड़ा। बाकी अभी ऑडियो का भी काम चल रहा है, काम चल रहा है अपनी गाड़ी पे। आधे टकली बना दिया इन्होंने आगे से, ये वाला रिसीव हुआ भाई, अपने ऑलमोस्ट सेटअप हो गया, अपने स्पीकर वगैरह सारा सब कुछ फिटिंग वगैरह चल रहा है आपस, लाइट भी अपनी आ गई है, अभी लाइट की फिटिंग होनी है एंड देन बस इट टू गो। सो गाइस दिस इज़ डे टू, हम अभी भी यहीं पर ही हैं, दूसरा दिन शुरू हो गया, भाई भी वापस आ गया अगले दिन, गाड़ी अभी भी ऐसे ही खड़ी हुई है, तो अभी भी काम चल रहा है अगले दिन, क्योंकि वैसे शाम हो चुकी है अभी, तो देखते हैं और कितना टाइम लगता है अभी काम होने में, स्टे ट्यून्ड गाइस। यहाँ पर फुल पावर लड़ाई वड़ाई सेट हो गया, यहाँ पर यहाँ एक दूसरे को पीटने में लगे हैं लोग, मैं आपको दिखाता हूँ लाइव व्यू, ये देखो अपनी गाड़ियाँ हिलाकर राजी नहीं है कोई, मस्त लगी सिस्टम चल रहे हैं लोग यहाँ पर, सब आपस में बहस कर रहे हैं यहाँ पर कौन अपनी गाड़ी हिलाएगा। वेलकम टू दिल्ली, अपनी एक हेडलाइट आ गई थी यार, हो गया फाइनली, दिस इज डे थ्री, तीन दिन हो गया मैं यहीं बैठा हूँ अभी भी, इससे क्या पता चलता है ये लोग बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं, मैं ज़्यादा बेल रहा हूँ, कमेंट करके बताना प्लीज़। अब चल रही है इसकी फिटिंग, और बीटी कर देती है गाड़ी फिटिंग विटिंग के टाइम पे। जब ही अपन आ गए सारा सेटअप वेटअप करवा कर, ये अपने भाई खड़े हुए हैं यहाँ पे, भाई अपनी अपना वीडियो वगैरह शूट कर रहे हैं अपने इंस्टा के लिए, तो भाई का ना इंस्टा पेज है पिनाकल एक्सेसरीज के नाम से, आप चेक कर लेना, काम बहुत सही है, थोड़ा हाई प्रोफाइल वाला काम है भाई का एंड काम अच्छा है, मतलब मैंने भी कराया तो मेरे को तो बहुत सही लग रहा है, मैं आपको रिजल्ट्स वगैरह भी दिखाता हूँ गाड़ी के। तो भाई लोग रिजल्ट्स कुछ ऐसा है, ये अपनी 55 वॉट की जो एलईडी फॉग लैंप्स में लगाई है हमने, ये हमारी लो बीम है 300 वॉट्स और ये हाई बीम है विच इज़ ऑल्सो 300 वॉट्स और ये कोई बंदा है।